ये देख लीजिए, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और ये हम पहुंच गए आदु के स्कूल। एंड यस, आज हम बैक गेट से जा रहे हैं बिकॉज Hey guys, a very good morning. Welcome back to my channel, Sanjana's Nest. Hope आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। And guys, बारिश की तो कोई कमी ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा फील होता है जैसे ना जहाँ जहाँ बारिश हो रही नहीं हो रही है ना वहाँ भेज दो सारी बारिश है। मतलब आज 2 से 3 हफ्ता होने वाला है नॉन स्टॉप। मुझे नहीं पता आप लोग आवाज़ आ रही है कि नहीं, नॉन स्टॉप बारिश। इतने दिन तक ये हो रहा था कि पूरी पूरी रात बारिश हो रही थी, उसके बाद थोड़ा सा सुबह बारिश होती थी, फिर 9 बजे के बाद बारिश बिल्कुल बंद, फिर उसके बाद एक ही बार में रात को आफ्टर 9 o'clock की बारिश होती थी। लेकिन कल से आदू का स्कूल शुरू हुआ है एंड कल से रात भर भी बारिश, दिन भर भी बारिश। एंड जैसे हम आदू को स्कूल से लेके आ जाते हैं 12 बजे के बाद, उसके बाद नो बारिश। मतलब बारिश तब तक होती है जब तक हमारा काम होता है, और जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है हम घर पे आराम से बैठ सकते हैं, उसके बाद बारिश नहीं होती है। कल भी मैंने वीडियो बनाया था सुबह से, पर वो बारिश की वजह से मैं सिर्फ बारिश ही क्लिक कर पाई और कुछ नहीं क्लिक कर पाई, तो इसलिए फिर मैंने नहीं डाला। आज आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि अब तक बारिश बहुत कम था। जैसे मैंने वीडियो शुरू किया मैं आपको दिखाती थी क्या हाल है बारिश का। दोबारा ये देख लीजिए, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और ये हाल है। सर नहीं, 6 बज गए शायद, हाँ 6 बज गए और ये हाल है। और मैंने सोचा फिर आदू को मैं 6:30 बजे उठाती हूँ बेचारी, क्योंकि वो रात को भी थोड़ा सा लेट से सोई थी, अराउंड 11:30-11 बजे। ये हाल है गाइस यहाँ का। और दिल्ली में गर्मी, राजस्थान में पानी नहीं है, तो मैं ना सोच रही थी कोई ऐसी पाइपलाइन बनाई जाए ना जो यहाँ से डायरेक्ट पानी मतलब वहाँ सप्लाई किया जाए। इतनी बारिश, ओ माय गॉड। हम तो अब देखते हैं आज दिन भर का क्या हाल होता है। ये देखिए, इट्स रेनिंग सो हेवीली, बट अब जाना तो है ही, कुछ कर नहीं सकते। पापा जाएंगे छोड़ने, तो अब हम निकलने वाले हैं। हम स्कूल के लिए निकलने ही वाले हैं और बारिश देखिए अभी तक नहीं था, जस्ट लुक एट इट। जाना तो गाड़ी में है बट फिर भी लाइक ये ना हम थोड़ा परेशान हो चुके हैं। मतलब इसी पूरा दिन बारिश नहीं होता एंड जैसे हमें निकलना होता है बारिश शुरू हो जाती है। सो वी हैव स्टार्टेड, वेयर इज माय बेबी गोइंग, व्हाट हैपेंड, टोनीलैंड, सी आर गोइंग टू टोनीलैंड, कहाँ है रे, बैग ले रहा टोनीलैंड, ओके सो वी विल सी इन टोनीलैंड, ओके ना कि बयां कमा। सो हम लोग आ गए थे, अब मेरा खाना भी बन गया बिकॉज आज कुछ नहीं, हमने बस चिकन बनाया
मेरे और डैडी के लिए चिकन बनाया, चावल तो मैं आके ही बनाऊंगी, और आदू के लिए हमने बनाया है मोमोज। ये रहा सब कुछ रेडी है, बिकॉज वो थोड़ा खाना कम खा रही है तो ये सब उसको अच्छा लगता है, इसलिए आटे का ही बनाते हैं हम उसके लिए। तो चिकन मोमोज बना दिया उसके लिए। यस, पानी भी गर्म करके रखा हुआ है, तो जैसे हम आएंगे बिठा देंगे मोमो, तो 10 मिनट में बन ही जाएगा। तो आदू का भी खाना हो जाएगा, मैं आके चावल बिठा दूंगी, और ये हमारा चिकन भी रेडी है। अब हम जाने वाले हैं नानी को लेने के लिए। पता नहीं आज भी रोई थी, देखते हैं क्या है हालत, लेट्स सी। एंड यस, आज हम बैक गेट से जा रहे हैं, बिकॉज फ्रंट गेट से बोला हम बैक गेट में होते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड रहता है, वहाँ पे बहुत लंबा रास्ता होता है बैक गेट में जी, मतलब गेट तक टोटो ऑटो गाड़ी कुछ भी चला जाता है। सो देखते मेरे फ्रेंड्स लोग ऑलरेडी वेट करेंगे, लेट्स सी। दो जन बैठे हुए यहाँ पे, मेरे दोस्त लोग ऑलरेडी बैठे हुए। अया, देखो, they are hiding the fish. चलो स्कूल तो मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ पे सारे पेरेंट्स का कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मैं किसी का फेस नहीं दिखाऊंगी, बट वही सारे पेरेंट्स वैसे अभी आए तो है नहीं, तो सब ऐसे बैठे हुए वेटिंग फॉर द किड्स। सो वी हैव मेड मोमोज फॉर आदू, आर यू हैप्पी? चम्ची सानो है ना, नहीं यो चम्ची ले खान्छ तिम्रो छ त मजाको पेपर पिग वाला, यु डोन्ट वान्ट दैट, कीप इट असाइड। लुक एट मी, हाउ इज मोमो, यु लाइक इट? सबै फिनिश गर्नु पर्छ ल, मेरो छोरीले आजकल खानै खाँदैन नि त, त्यही लागि मोमो बनाइदिएको मेरो छोरीलाई आटाको। डैशिंग थ्रू द स्नो, लु इट ल, इट नाइसली ल, स्पुन ल्याइदिनु, ल्याइदिनु स्पुन, स्पुन ल्याइदिनु, ओके। कस्तो मिठो बनायो मोमो त, म पनि खान्छु नि, गिव मी अल्सो, वाइ? तपाईँ के खाँदैछ, के खाँदैछ? मैले त छुर्पी खाएको नि, छुर्पी खान्छ? मेरो फ्रेन्डले मलाई छुर्पी दियो नि त, छुर्पीबाटै खाँदैछ? खाऊ न,